दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल अनुपमा में वनराज को होगा अपनी गलती का एहसास। यह दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि बा और बापूजी की एनिवर्सरी पर बा कहती है कि मेरी बेटी नहीं आएगी तो हम ये सेलिब्रेशन भी अधूरा रह जाएगा, और डोली को मनाने के लिए अब अनुपमा ही कदम उठाते नजर आएंगी और वो सबको समझाएंगी कि बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं और बेटियों का दिल भी उतना ही बड़ा होता है, तो क्यों नहीं एक बार हम कॉल करें और डोली बहन को मनाएं तो वो जरूर आएंगी। जिसके बाद ने डोली अनुपमा के कहने पर और बा और बाबूजी के कहने पर इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती है। तो वनराज भी अपनी बहन से अपनी गलती की माफी मांगता है और उसके बाद ने उसे अब वही भाई बहनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो डोली ने तो अपने भाई को माफ कर दिया है, तो वहीं काव्या तो इस बात से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था कि सभी घर वाले एक हो चुके हैं और उसे अलग थलग कर दिया है। भाई बहन का मिलाप देखकर अनुपमा थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो जाती है, लेकिन फाइनली अब परिवार में सभी घर वालों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब काव्या को छोड़कर जो कि एक नया ड्रामा शो में क्रिएट करेगी।